यदि आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच करो या मरो के मुकाबले में मैदान पर एम्पायर ने केएल राहुल के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में आक्रोश दौड़ गया है। एम्पायर के इस फैसले पर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और रोहित शर्मा से लेकर मैदान में मौजूद दर्शकों में किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। एम्पायर की एक गलती इतनी बड़ी थी कि भारत और श्रीलंका की इस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर क्या किया है एम्पायर ने राहुल के साथ, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतर बल्लेबाज, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है जिसमें श्रीलंकाई कप्तान ने एक बार फिर टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से उनकी दो सलामी बल्लेबाज और रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। इन दोनों बल्लेबाजों पर भारतीय टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलवाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और भारतीय टीम को अपने पहले चौके के लिए पूरे 1.4 ओवर का इंतजार करना पड़ा। दरअसल महेश दीक्षण पारी का दूसरा ओवर लेकर आए और उनकी चौथी गेंद पर राहुल ने आगे निकलकर एक तूफानी चौका जड़ दिया, लेकिन उनकी अगली ही गेंद पर राहुल ने फिर एक बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधा जाकर राहुल के पैड पर लगी और अपील करने पर एम्पायर ने राहुल को LBW दे दिया। एम्पायर का यह फैसला दोनों अपने बल्लेबाजों को कतई पसंद नहीं आया और भारतीय टीम ने इसे रिव्यू किया। जब रिव्यू स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था तो उसमें यह बात साफ दिखाई दे रही थी कि गेंद राहुल के बैट में टच होकर पैड पर लगी है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण थर्ड एम्पायर ने ग्राउंड एम्पायर के फैसले को मानते हुए केएल राहुल को आउट दे दिया। एम्पायर के इस फैसले पर केएल राहुल भड़क गए और इतना ही नहीं, दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा और किसी भी भारतीय को एम्पायर के इस डिसीजन पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर कोई इतना गलत डिसीजन कैसे दे सकता है। तो दोस्तों, एम्पायर का यह गलत फैसला भारतीय टीम को बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि केएल राहुल खतरनाक टच में नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केएल राहुल के आउट होने के बाद कौन सा भारतीय बल्लेबाज इस मुकाबले में सर्वाधिक रन बनाएगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।